सिरसा संतों की भूमि है। संतों के तप तेज और प्रताप को देखते हुए सभी लोग नतमस्तक होते हैं। अगर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा के अंदर बाबा सरसाईनाथ जी संत थे, जिनके नाम से सिरसा अस्तित्व में आया। बाबा सरसाईनाथ जी सिरसा के संत थे। अगर देखा जाए तो सिरसा वासियों की आस्था को देखते हुए बाबा योगी आदित्यनाथ कल 20 तारीख को सिरसा में रैली करने आ रहे हैं। सिरसा से विधायक श्री गोपाल कांडा जी हैं जो कि रैली का आयोजन कर रहे हैं और यह सभी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। तो आइए हम विधायक जी से कुछ करते हैं बात। विधायक जी, आपका हाजिर हरियाणा में स्वागत है। तो विधायक जी, कल जो रैली रहेगी उसके रैली के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? कहीं पंडाल छोटा तो नहीं पड़ जाएगा? जिस तरह लोगों से बात हो रही है, जैसे लोग सोच रहे हैं कि हम पहुंचेंगे योगी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, तो पंडाल क्या मुझे लग रहा है कि वो पूरा इलाका ही छोटा पड़ेगा जितना रश होने वाला है कल वहाँ। जी विधायक जी, भीषण गर्मी है तो रैली के लिए क्या स्पेशल व्यवस्थाएं रहेगी? सुनने में आ रहा है पंजाब और राजस्थान के भी लोग योगी बाबा को सुनने आ रहे हैं। नहीं, पंजाब और राजस्थान का तो कुछ ऐसा नहीं है, पर सिरसा के और रानिया के, इलाहाबाद के, कालांवाली के, यहाँ तक के जरूर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लोग ज़रूर आएंगे और लोगों में बड़ा उत्साह है उनको सुनने का और देखने का। रैली के लिए हाजिर हरियाणा की ओर से आपका एक संदेश कि सभी लोग पहुँचें। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं सिरसा, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है उन्होंने किस तरह के फैसले लिए और कैसे माफियाओं से मुक्त किया यूपी को। तो एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है इस देश को कि कुछ भी मुमकिन है। तो सब आके उनके विचार सुने और उनका स्वागत करें। थैंक यू जी। मेरे साथ विधायक श्री गोपाल कांडा जी थे।